मौलाना साहब से कहिएगा कि अगर उनकी बेटी इस सिचुएशन में होती तो क्या वो महरम और ना महरम के चक्कर में पड़ के अपनी बेटी की नमाज जनाजा पढ़ाने में सुकून महसूस करते। वो आपके साहबजादे मेरी चंदिया पे बम फोड़ के गए, शादी करने का भूत सवार हुआ है उन पर। क्या बात कर रहे हो, भूत सवार हुआ है? 40-42 साल का हो रहा है, क्या सारी जिंदगी कमा रही रहेगा? कोई इलाज नहीं। आप सुनो, अगर तुम चाहो तो अभी तलाक दे सकता हूँ, तुम्हें आजाद कर दूं। भाभी, ये पेड़े आपने ठीक नहीं बनाए। मुझे तो लगता है इन्हें आटा गूंदना भी नहीं आता। नहीं, हफ्ते में एक आध बार बना लिया करती थी, बाकी दिन तंदूर से ही रोटियां आती थी। हमारे यहाँ तंदूर की रोटी का रिवाज नहीं है। और भाभी, जब आप ये रोटियां बना लेना तो एक बार अम्मी को चेक करवा लीजिएगा। चेक मतलब? वो असल में ना अम्मी को अंदर तक सिकी हुई रोटियां पसंद है। हम दोनों भी जब बनाती थी तो पहले अम्मी से चेक करवाते थे, अगर वो ओके कर देती थी तो ठीक है, वरना फिर नए सिरे से हम लोग रोटियां बनाते। और अगर उन्हें पसंद ना आए तो आपको दोबारा बनानी पड़ेगी। मुनीरा, मुनीजा, आके सबक याद करो। जी अम्मी। ताबिश, आप इतने देर से क्यों आए? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। नौकर हूं मैं तुम्हारा। जर खरीद गुलाम। क्या महारानी जब हुक्म करेंगी तो मैं घुटनों के बल पेश हो जाऊंगा तुम्हारे सामने। तुम तो ये कह रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, सब सुना है मैंने। वहां खड़े होके जो तुम जबान दराजी कर रही थी ना, चटर चटर बोल रही थी, सब सुना है मैंने। देखो मेरी बात सुनो इरम, हमारे घर में ये रिवाज नहीं है कि ये मैदे की अकड़ी हुई रोटियां खाएं। हमारे घर में औरतें अपने हाथ से रोटियां बना के खिलाती हैं, समझी तुम? और जब तुम्हारी तबीयत भली चंगी थी तो क्यों दफ्तर से बुलाया तुमने मुझे? अल्लाह की कसम ताबिश, मेरी तबीयत बहुत खराब है। वो तो मुनीरा मुनीजा आ गई थी कि अब्बू को बहुत भूख लगी है, अभी रोटियां बना के दो, इसलिए बनाने खड़ी हो। मेरे सामने ये होंठ लटका लटका के बातें मत किया करो, खुदा की कसम मेरी तबीयत बहुत खराब थी। बच्चा होगा। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, छक्का स्टाइल में बात करते हो। छक्का किसको बोला तुमने? जब आप मुझे जलील कर सकते हो तो क्या मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती? आपको बुरा लग सकता है तो मुझे भी बुरा लग सकता है। शौहर से बात करने की तमीज नहीं है तुझे, बदतमीज औरत। और आपको भी बीवी से बात करने की तमीज नहीं है। चलो बस बस, पता है मुझे ये होता होगा तुम्हारे खानदान में, दीन का शौर जो कम है तुम्हारे खानदान में, वही औरतें खामन के सर पे चढ़ के नाचती हैं। मुझे पूरा पूरा यकीन है तुम्हारे घर के मर्दों को ना औरतों से मार पड़ती होगी, जूते पड़ते होंगे। हमारे घर में ऐसा नहीं होता। और खबरदार जो हमारे घर के बारे में कुछ भी कहा। ए, ये क्या कुंजरे कसाईयों की तरह चीख रही हो हैं? अम्मी बदतमीजी कर रही है, जबान दराजी कर रही है मेरे साथ। तो ताबिश बेटा, ऐसे और आता ही क्या है? और सुनो इरम बेटा, ये जो रोटियां है ना, इनके किनारे कच्चे नहीं होने चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी रोटियां बनानी आती है मुझे। हाँ भाई, तुम्हें तो सब काम बहुत अच्छे आते हैं, हमें ही नहीं आते कोई भी काम करने। ताबिश बेटा, इससे जरा दुपट्टा पहनो। देखो इरम बेटा, एक बात जरा मेरी कान खोल के सुन लो है, बहुत जोर दे रही हूँ इस बात पे। घर में ना दुपट्टा पहना करो, हमारे यहाँ की औरतें इस तरह फहाशाओं की तरह नंगे सर नहीं फिरती घर में हैं। और भले से ताबिश तुम्हारा शौहर है, लेकिन फिर भी इस तरह नंगे सर ना फिरा करो इसके सामने हैं। अपने मिजाज में बेटा पाकीजगी लेकर आओगी तो तुम्हारी औरत के तौर पे भी इज्जत होगी और बीवी के तौर पे भी। वरना बीवी के रूप में जो हीरोइनें होती है ना, उनके नसीब में तो अंधेरा ही लिखा है, समझी? ए, रोटियां इरम। अरे ताबिश रहने दो बेटा, मैं बना देती हूँ, तुम थक गए? क्यों? नहीं नहीं कोई बात नहीं,
सारी जिंदगी बनाई उसकी तबीयत खराब, मैं कर दूंगी। लो मैं डाल देती हूँ। रहने दे, जानती हूँ तेरी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। मेरे बेटे ने जो ठेंगा दिखाया है ना, उसी का बदला तू ले रही है। मेरे अनवार साहब को तो तूने उल्लू का गोश्त खिलाकर काबू कर लिया, मगर जो जवानी को तेरी घुन लगा है वो तुझे पता चलेगा 8-10 बरस में। एक हफ्ते के अंदर अंदर गाड़ी आ जाएगी अम्मी, अगर नहीं आई तो दे देंगे तलाक। हाँ तो देनी भी चाहिए तलाक, तुम्हारा दीन बेटा तुम्हें ये हक देता है। मिर्चे 30 रुपए पाओ, टमाटर 20 रुपए पाओ। सब्जी वाले, पिछले हफ्ते जो तूने मीठा कद्दू दिया था ना, पूरा सड़ा हुआ था। पापा जी गर्मी भी तो देखें कैसी टेट चल रही है। मैं तो कद्दू के पैसे काटूंगी समझे, ये 1/2 किलो टमाटर तोल दे। ए मैं तो लूंगी, ठहर जा, मैं छांट के देती हूँ तुझे, फजूल फजूल दे रहा है। भैया एक मिनट ठहरना, मैं आ रही हूँ। अच्छा पापा जी, भैया करेले हैं और शिमला मिर्च? बहन जी शिमला मिर्च खत्म हो गई, करेले हैं। अल्लाह पापा तुम्हें क्या हो गया, कहीं इश्क तो नहीं हो गया किसी से? आई मुझे क्यों होगा, ऐसी गंदी बीमारियां तुझसे ही चिपकी हुई हैं समझी। मैं तेरी तरह बेगैरत और बदजात नहीं हूँ। मैं भी तो मजाक ही कर रही हूँ आपा। चलो मेरी प्यारी आपा, गुस्सा थूक दो ना। कि मजाक मुझसे मत करना समझी, मजाक जाकर अपने कर्मियां से, वही तेरी हौसला अफजाई करेंगे। और तू क्या जलील पड़ोसनों की तरह कान लगा के सुन रहा है? चल ये तोल के दे मुझे मिर्ची। लो मैं डाल देती हूँ। रहने दे, जानती हूँ तेरी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। मेरे बेटे ने जो ठेंगा दिखाया है ना, उसी का बदला तू ले रही है। मेरे अनवार साहब को तो तूने उल्लू का गोश्त खिलाकर काबू कर लिया, मगर जो जवानी को तेरी घुन लगा है वो तुझे पता चलेगा 8-10 बरस में। हम भी देखेंगे फिर तेरी कश्ती जो है वो कैसे चलती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेस्त तो नाबूद होगी, इंशाल्लाह तआला हुल अज़ीज़। चल मुझे पकड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हालांकि भाई साहब आप हो तो मेरे कॉम्पिटिटर, मगर अल्लाह की कसम बड़ा अफसोस हुआ कि तंगीन के लड़कों ने आपकी और आपके दुकान की जगह। देखो मेरी जगह कोई और होता तो यही कहता कि भाई दुकान आगे बढ़ाओ, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। मगर अपना तो ये नजरिया है कि रोजी देने वाली जात अल्लाह की है। अगर मेरे पल्ले से आपको कोई कारामद मशवरा मिल जाए तो वो मेरी तरफ से आपके लिए सत्ता जारिया होगा। कैसा मशवरा भाई? एक इंतहाई घिसी पिटी मिसाल है, समंदर में रहकर मगरमच्छों से क्या बहन, सीधा साधा इनके हाथ में भत्ता दो और सुकून से पैसा बनाओ। मेरे साथ भी शुरू शुरू में आप वाले केस हुआ था, मैंने भी बड़ी आंखें दिखाई, मगर जब कुट लगी और दुकान को तोड़ा फोड़ा फिर अकल आई कि भाई इनसे अगर पंगा लिया तो बीवी बच्चों का क्या होगा। अब हर महीने इनको भत्ता भी देता हूँ और सुकून से पैसा कमाता हूँ। एक बात सुनो, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। एक बात बताओ, इस मुल्क के लोग अगर इतने उसूलों पर चलते तो ये मुल्क ऐसा नहीं होता, जिना साहब वाला होता। अब तो सोचो जैसा देश वैसा भेस। और हाँ एक और बड़ा दाना मशवरा देता हूँ, इस इलाके में मेरे बर्गर की बड़ी शोहरत है और मेरे तक पहुँचने के लिए बड़ा टाइम लगेगा। तुम ऐसा करो चिप्स की 2-3 मशीनें रख लो, सस्ती मिलती हैं, फ्रेंच फ्राइज से लोगों ने बड़ा कमाया है। मेरी बात समझ रहे हो ना, गौर करना समझे।
ये जो रोमानियत में नसरीवी लड़कियां होती है ना बेदीन किस्म की, इनका ठिकाना आखिरकार जहन्नुम में होता है। और एक और बात, ये जो इसका बाप है ना, इसने जो गाड़ी वाला हाथ किया हमारे साथ, तो वो मकरूह सूरत आदमी क्या समझता है कि वो बख्श दिया जाएगा? गलत बयानी करने वाले लोग जो है ना जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। अम्मी एक बात कहूं आपसे, इरम है बेचारी थोड़ी सी बेवकूफ। अरे रहने दे, कोई बेवकूफ बेवकूफ नहीं है, बड़ी चलाक है, होशियारों की सरगना है और गुनों की पक्की है। गाड़ी तो उसका बाप भी देगा। अगर गाड़ी दे भी देगा ताबिश तो हम पे कौन सा एहसान करेगा? और ये जिसकी माँ है, दो दिन पहले मुझे फोन करके बड़ी बातें सुना रही थी है? मैंने भी उसको कह दिया, बहन तुम तो हो ही दीन से बेबहरा, तुम्हें क्या पता कि जहेज की क्या अहमियत है दीन में। हाँ। बड़ा समझ रही थी कि उसकी जो इखलाक बाख्ता बेटी है, इसको हम बस दो कपड़ों में ब्याह के ले आएंगे, क्योंकि इसमें तो सुरखाब के पर लगे हुए। अल्लाह माफ करे वैसे, हाँ कौन सा इसने ऐसा जहेज दे दिया जो ये मोटी मनहूस औरत मुझे इतनी बातें सुना रही थी। अरे तो अब ठीक रही है अम्मी, घराना तो बड़ा ही नीच है। अब पूरे के पूरे खानदान की औरतें ऐसे बेहुदा कपड़े पहनती हैं, और वो जो सास है तौबा ऐसे टाइट ब्लाउज पहनती है कि नजरें झुक जाती। एक हफ्ते के अंदर अंदर गाड़ी आ जाएगी अम्मी, अगर नहीं आई तो दे देंगे तलाक। हाँ तो देनी भी चाहिए तलाक, तुम्हारा दीन बेटा तुम्हें ये हक देता है। हाँ? करो इस्तेमाल अपना हक। मैं कैसी लग रही हूँ? प्यारी, बहुत प्यारी, बहुत हसीन लग रही है मेरी बहन। रहने दे, इतनी भी कोई अच्छी नहीं लग रही। बहुत अच्छा लगता है मुझे तुम्हें खुश देखना। बस मुझे खुशियों के आरजीपन से बहुत डर लगता है। जब भी मैं खुश होती हूँ ना तो एक खौफ धड़का सा लगा रहता है, जैसे बचपन में वो खूब ऊपर जाने वाला झूला नहीं होता, उसमें जब बहुत ऊपर जाती थी तो खुशी से चीखें निकल जाती थी, लेकिन साथ में ये खौफ भी कि कहीं गिरी ना जाऊं। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन एक बात कहूं, इंसान को अपने दिल को थोड़ा सा समझा के रखना चाहिए। अच्छा है जो इंसान के दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाए और उसे वो मिल जाए जो वो चाहता है, लेकिन अगर ना भी मिले तो कोई बात नहीं। मैं ऐसा नहीं सोच सकती, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं बस चाहती हूं कि मेरी शादी हो जाए किसी भी तरह, क्योंकि आपको नहीं पता जो लड़कियां घर बैठी रहती है ना शादी ना होने की वजह से, उनके बारे में लोग कैसी कैसी बेहुदा बातें करते हैं। चलो तुम अच्छा अच्छा सोचो। अरे भाई क्या प्यारा बच्चा है, बहुत ही प्यारा लड़का है। अभी फोन पे बात हो रही थी मुझसे कहने लगा कि मुझे ये बताइए कि मैं आपको कहूं आंटी, खाला जान या फिर अम्मी। मैंने कहा भाई हमें तो अम्मी ही अच्छा लगता है, ये आंटी फंटी जो है ना ये अंग्रेजों की एक बेहुदा सी ईजाद है, और खाला जान वो तो ऐसा लगता है जैसे कोई उमराव जान। अरे भाई ये बात सुननी थी, इतना हंसा है, हंसता ही चला गया। फिजी मेरी बच्ची, जाके जरा बावर्ची खाने में देखो कोई कमी तो नहीं है, अगर कुछ कम हो तो मैं भाईजान से मंगवा लूं। जब इरम के भिकमंगे ससुरालियों के लिए ये लंबा दस्तरखान बिछा करता था तो फिर ये तो गंगूतेली के राजा भोज है। बहुत खुश है फायजा। हाँ बस दुआ करो कि सारी चीजें सारी बातें खुश असलूबी से तय हो जाए। मेरी बच्ची ने बड़े दुख सहे, लोगों की बड़ी बातें सही है। भाईजान अगर उस लावारिस लड़की के अलावा कोई और लड़की समझ में आए तो मुझे बता दीजिएगा। अल्लाह इतना जिद्दीपन क्यों है आप में, कहा तो शादी के लिए राजी नहीं हो रहे थे
अब ये जिद है कि उस लावारिस लड़की से शादी कर दो? अरे कुछ तो लचक पैदा कीजिए अपने अंदर भाईजान। चलिए अम्मी, नहीं करता मैं शादी, वैसे भी अब तो वक्त गुजर चुका है, इसलिए इस मामले को रहने ही देते हैं। लोग अब ये ठट जिद। बात खोई खोई रहने लगी हो अंदर। वो ना भाई की बीवी छत से गिर गई है, अस्पताल में है, वो फोन आया था, बहुत परेशान थे। देखो मैं तो तुम्हारे मामले में कभी कोई कसर नहीं छोड़ती, इसलिए शायद तवक्को भी तुमसे इतनी ज्यादा है। जो इतना करता है उसका तवक्को करना भी तो जायज है ना। निमो खुद आई थी मेरे पास। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है तुम्हारी आदत का, मुंह मत खुलवाओ मेरा। मेरा सर हाजिर, सर काट। बातें बातें, सिर्फ बातें। कूद जाऊं? हाँ कूद जाऊं, काट लूं खुद को। तुम्हें पता है कि मेरे नजदीक बेवफाई की सिर्फ एक ही सजा है, मौत, और सिर्फ मौत। मुन्ने बच्चे, जमाना चाल कयामत की चल गया, जिसके लिए तुम गर्दन कटे बकरे की तरह तड़प रहे हो उस पे तो किसी और की नजर है। इंसान, मर्द, औरत। वैसे भाईजान आए थे तुम्हें देखने के लिए। लड़कों में अकल होती ना तो दुनिया ऐसी ना होती। औरत तो फिर भी 15-17 साल की उम्र में जहां दीदा हो सकती है, लेकिन लड़के चोगद के चोगद, अकल से पैदल। अरे तुम्हें नहीं कह रही, खुदा की कसम तुम्हें नहीं कह रही, मैं तो ऐसी एक बात कर रही थी। तुमने तो भाई इतनी मोहब्बत से, ऐसे मान से मुझे अपने दिल का हाल बताया उस दिन, अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा लगा। भाई खुद से कोई मदद मांग ले मुझसे तो अपनी माँ की कसम कलेजा निकाल के दे देती हूँ मैं तो, ऐसा स्वभाव है मेरा। लेकिन मुन्ने बच्चे, जमाना चाल कयामत की चल गया, जिसके लिए तुम गर्दन कटे बकरे की तरह तड़प रहे हो उस पे तो किसी और की नजर है। कौन, किसकी बात कर रही है? बेटा आंखें खुली नहीं रखते ना जो लोग, सारी चोरियां उन्हीं के नसीब में लिख दी जाती हैं। अरसलान की आंखें नहीं देखी थी तुमने जिस दिन तुम जहारा को सहारा दे के अंदर ले जा रहे थे? ऐसी वहशत, ऐसा जुनून, बाप रे बाप। मैं तो फौरन समझ गई, देखते के साथ ही समझ गई। अकलड़ी बदोबदी, मौका मिले कदी कदी। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी भाईजान। भाईजान कहाँ लड़की वड़की के चक्कर में? बेटा ये जो घुन्ने मर्द होते हैं ना, यही कहानियों के अंजाम और आगाज को अचानक तब्दील कर देते हैं। बस ये अरसलान ने भी किया। मेरी समझ में तो अब ये नहीं आता कि तुम क्या करोगे। हाँ तुम्हें तो शायद इस बात का भी ना पता हो कि शादी की बातें चल रही हैं अरसलान और जहारा की। भाई तुम्हारे ताया अबू ने खुद बताया मुझे। देखो मुझे ये नहीं पता कि जहारा की क्या मंशा है। मैं तो कहती हूँ तुम भी जवान, वो भी जवान, ये अरसलान का क्या है? वो तो जवानी की ढलान से उतर रहा है, बल्कि समझो उतर ही चुका। अरे असल कहानी तो तुम्हारी और जहारा की है, तुम आगे बढ़ो, इसे आगे चलाओ। और फिक्र ना करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अब जाओ।
अंदर जाओ, अंदर लेटी है, आदत करके आओ उसकी। भाई लड़कियों की आयादत करना तो लड़कों के लिए बहुत बड़ा एजाज होता है। लड़कियां बेचारी बीमारी में टूटी पड़ी होती हैं, उस वक्त में उनके पास कोई सहारा बन के लड़का आ जाए ना तो उसकी तो समझो लॉटरी निकल आए। आप उसकी शादी रोक लेना किसी ना किसी तरह पारो आप ही। तो तुम खुद मेहनत करो, ऐसा दिल जीत लो जहारा का कि वो खुद कह उठे आओ चलो भाग जाते। वो ऐसा कभी नहीं कह सकती, जानता हूँ मैं उसे अच्छी तरह। अच्छा ना, आप इतनी अम्मा मत बनो तुम उसकी। यूं ही एक बात की थी मैंने, तो नफरत है मुझे ऐसे लोगों से जो बात को पकड़ लेते। मैं मिल लूं जाके उससे। तो और क्या कहा है तुमसे, ठीक ही ख्याल था मेरा, लड़के होते ही सब चुगर। अब देखती हूँ दिल जीतने का हुनर भी है तुम में या नहीं। इत्तेफाक से हमारी तमाम जमीनें ही जरखेज हैं। अंदरूनी सिंध में इस तरह की जमीनें मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। हमारी खानदानी जमीनें पार्टीशन के फौरन बाद ही हमारे दादा जान को मिल गई। हमारे दादा जान ने भी अलबत्ता हिंदुस्तान में काफी गांव और भी बहुत कुछ छोड़ा है। मां समझा, आप क्या जमीनों जायदादों की बातें लेकर बैठ गए। हमारा तो ख्याल है कि जमीन जायदाद से ज्यादा अहमियत इंसान की होती है। बिल्कुल बिल्कुल, इंसान मर्द या औरत या फिर इंसान की, हम सारी बनी नौ इंसान की बात कर रहे हैं। वैसे मौजिम जाने आपको ये तो बताया नहीं कि कितने लायक हैं, टॉपर रह चुके हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में। एमए साइकोलॉजी करना कोई आसान बात थोड़ी है। नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए मैं साफ साफ बात करता हूं कि पैसे वगैरह की मैं इतनी फिक्र नहीं करता। बात यह है कि पैसे से ज्यादा मैं शराफत का कायल। सच्ची बात है, अल्लाह का बहुत कुछ दिया हुआ है, अच्छा खासा कमाता हूँ। लड़की के रिश्ते के सिलसिले में कभी मैंने ये नहीं सोचा कि लड़का कमाता कितना है। और वैसे मैं ये आपको कह देता हूँ कि पैसा हमारी बच्ची जो है वो बहुत ही अच्छी, बहुत साबिर। साबिर? क्या फायजा असल में मोहम्मद साबिर है? वो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है मौजूम जा का, लेकिन हर वक्त मजाक का नहीं होता मौजूम जा, ये लोग पूरा भी मना सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, असल में तो मैं खुद बहुत ये हंसी मजाक पसंद करता हूँ। हाँ। मजलसी इंसान हूँ, हमारे तो दोस्तों में खुद खूब मजाक चलता है एक दूसरे की। हमने छेड़े रखी हुई है, नाम रखे हुए हैं। आंटी की शक्ल हूबहू। मेरा मतलब है आंटी के चेहरे पे अभी भी बच्चों वाली मासूमियत है। इसका तो मैं जितना भी शुक्र अदा करूं अल्लाह का उतना कम है, वरना आजकल तो जवान लड़कियों के चेहरे पे दूर दूर तक कहीं मासूमियत नहीं होती। हमारी भाभी की तो क्या बात है। ताजर बीबी आप इनके हाथ के कबाब चखना, ईमान से हाथ नहीं रुकता। हाँ अच्छा आप लोग बातें करें, चाय वगैरह पिए, मुझे कुछ थोड़ा सा काम था। है बाथरूम जाना होगा आपको। जी नहीं, वो असल में दुकान के लिए कुछ चीजें खरीदनी थी तो यही वक्त है, तो मैंने कहा चलिए। बड़े भैया आपने हमारी ताजा बीबी को ये तो बताया नहीं कि आपको हमारे छोटे सरकार कैसे लगे। भाई मेरी तरफ से मुझे इस रिश्ते पे बिल्कुल कोई एतराज नहीं। मुबारक हो ताजमहल भी। मुश्तरी मुश्तरी मुश्तरी, माफ कीजिएगा मुझे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कुछ की बारे में। ये मुश्तरी सीधी खड़ी रही है।
चाय लेकर आओ, जाओ जाइए। वो आंटी अगर आप इजाजत दें तो मैं फायजा से मिल लूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, जम जम मिलिए, जरूर मिलिए। अब तो हमारे अनवार साहब ने भी हाँ कर दी, जाइए ना। शुक्रिया। जाइए जाइए। हाँ तो बहन भाई बहुत प्यारे डायमंड हैं, ये डायमंड है ना। भूख लग रही है तो बचा के खाने के लिए कुछ ले आऊं? नहीं। पता नहीं तुम मुझे अंदर ही अंदर बहुत उदास लगती हो जहां। वैसे भाईजान आए थे तुम्हें देखने के लिए या नहीं? नहीं, वो क्यों आएंगे, वो यहां कब आते हैं? मैंने सोचा शायद बहुत अच्छे इंसान है भाईजान, बहुत अच्छे। पता नहीं इतना कतरा क्यों रही हो भाईजान के जिक्र से। तो क्या कहती है? नहीं मानती, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसका चेहरा उसकी जबान का साथ ना दे रहा हो। है ना, कसम से मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। बीच में कोई बात है जरूर, मैं तुम्हें बता रही हूँ और बहुत यकीन से बता रही हूँ, ये आग कभी की लगी हुई है दोनों जानिब। मैं तो शुरू से ही कहती थी दोनों मनहूसों की आदतें बिल्कुल एक जैसी हैं, आंखों और चेहरों पे मायूसी और दिल में जाने कैसे कैसे अलाव। मेरी अम्मा तो कहा करती थी किसी बोलने वाले के बोलने से इतना ना डरो जितना किसी गुन्नी के खामोशी से। मैं तो अच्छा अच्छा अब कोई फिल्मी जुमला ना बोलना नहीं तो सर फोड़ दूंगी तुम्हारा। जिंदगी में सिर्फ मोहब्बत से मुझे पहली और शदीद नफरत हुई। और मिलता ही क्या है इंसान को इस खबीसन से सिवाय बर्बादियों और खुदकुशियों के। मैं तो कहती हूँ शादी कर लो, शादी मोहब्बत की मौत है और इसी मौत पे सारी दुनिया चल रही है। देखो आया जाया करो अपने ताया अबू की गैर मौजूदगी में, खुला मैदान दे रही हूँ मैं तुम्हें। अब इसके बाद भी लड़की का दिल ना जीत सके तो सबसे पहले तुम्हारे मुंह पे थूकने वाली मैं ही होंगी। तुम जाओ ना अपनी अम्मी के घर आज, उनकी आंखों में आंखें डालकर देखो और कहो उन्हें ये गाड़ी दे। तुम बिल्कुल मत डरना, ना ही घबराना और ना ही उनकी कोई बात सुनना भाई, तुम अपना हक मांग रही हो, हक है तुम्हारा। मैं तो चाहती हूँ बर्बाद हो जाए वो, बालों में खाक डाल के गिरेबान फाड़ के गलियों में निकल जाए, अपने आप को गंदी गंदी गालियां दे, तभी मेरी रूह को सुकून मिलेगा। सजरे है ना तुम्हारे आंखों में,
और इनकी खुशबू कितनी प्यारी है, बिल्कुल ताजा है। एक शिकवा है मुझे तुमसे, मोहब्बत नहीं करती तुम मुझसे। अल्लाह ताबिश, ऐसे तो मत कहें, इतनी जज्बाती इतनी तूफानी मोहब्बत है कि आपके फरिश्तों को भी खबर ना हो। बस जताना नहीं आता मुझे। मुझे तो भी मेरी तकलीफ तुम्हें अपनी तकलीफ क्यों नहीं लगती है, तुम्हें एहसास क्यों नहीं होता है मेरा? ये भला कौन सी मोहब्बत है कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं और तुम ये चाहो कि सब कुछ बस मैं करूं, हर चीज मेरी तरफ से हो, ये कोई मोहब्बत तो ना हुई ना। कुरान पाक में भी इस बात पे जोर दिया गया है कि मर्द और औरत मियां बीबी एक दूसरे का लिबास है, इसका मतलब समझो, जांचो। तुम समझ रही हो ना मेरा मतलब? मैं सब समझ रही हूँ, आपकी एक एक बात सीधे मेरे दिल में उतर रही है ताबिश। अगर आप इतनी प्यार और मोहब्बत से समझाएंगे तो मुझ जैसे कुड़ मगज भी सब समझ जाएगी। आज फिर बाइक खराब हो गई थी रास्ते में, 2.5 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ, यहाँ भी दर्द हो रहा है मुझे, शायद इसीलिए इतना चिड़चिड़ा हो गया हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी की। मुझे अंदाजा है, आपका तो रंग भी जल गया है। सारा गंद तुम्हारी अम्मी का मचाया हुआ है, तुम्हारे अब्बू तो ऐसा नहीं लगते कि अपनी बात करके फिर मुकर जाए। तुम जाओ ना अपनी अम्मी के घर आज, उनकी आंखों में आंखें डालकर देखो और कहो उन्हें ये गाड़ी दें। तुम बिल्कुल मत डरना, ना ही घबराना और ना ही उनकी कोई बात सुनना भाई, तुम अपना हक मांग रही हो, हक है तुम्हारा। मेरा हक? हाँ, अच्छी सी तैयारी करो आज, तो तुम्हारी अम्मी की तरफ लेके जाता हूँ, तुम वहां बात करना और वापसी में ना तुम्हें कैफे प्याला की मलाई वाली चाय पिलाऊंगा। हूँ उठो, शाबाश। मर्द पर तावीज गंडों और सिफली का असर औरत से कम होता है। मर्द की आवारा रूह पर सिफली का अमल ज्यादा नहीं ठहरता, ये मेरा अपना तजर्बा है। इंसान के अंदर की सिफली भी अगर कूद पड़ती है ना, तो जैसे लोहे को लोहा काटता है ना, ऐसे ही सिफली को सिफली काटती है। मैं तो चाहती हूँ बर्बाद हो जाए वो, बालों में खाक डाल के गिरबान फाड़ के गलियों में निकल जाए, अपने आप को गंदी गंदी गालियां दे, ताकि मेरी रूह को सुकून मिलेगा, करार मिलेगा। बीबी साहिबा, धुतकारा हुआ मर्द काबिले रहम होता है, धुतकारी हुई औरत जख्मी नाकन। मेरा तो दिल चाहता है उसे खून का प्याला गटर गटर करके एक ही सांस में पी जाऊं। मेरा नहीं बन सका, किसी और का तो बन के दिखाए। खुदा की कसम, हर वक्त मेरा दिल इंतकाम से धड़कता रहता है। कल आना मगरिब के बाद, कुछ खास चीजें हैं मेरे पास, वो मैं तुम्हें दूँ। और सुनो, 15 दिन तक गुसल नहीं करना। नहीं करूंगी। गंदगी हमारा मसलक है, विलाज़तों के दरमियानी जादू की तासीर शिद्दत अख्तियार करती है, जैसे बदन के एक एक मसाम में असर कर जाती है, समझ रही हूँ ना? सबसे कहा था ना मैंने, डायन का बसेरा है, तो बस मत जाओ। वालिदैन तो अपने बच्चों का घर बसाने के लिए अपने आप को खत्म कर लेते हैं, अब उन बेगैरतों के मुतालबे पूरे करने के लिए हम खुद को खत्म कर दें। इरम,
ये मांगने तांगने का सिलसिला अगर बढ़ाना है तो भाई मेरी तरफ से तुझे टाटा बाय बाय। आपके पीछे जहाँरा के कमरे में चले गए थे, पहले तो अब्बा भी थे कमरे में, फिर मुझे लगा दोनों को जानबूझ के मौका देने के लिए कमरे से निकल गए।